ओके गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, अपने रिफ्लेक्सेस इंक्रीज कर सकते हो और अपना जो हेडशॉट एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज एक भी पॉइंट अगर मिस किया तो मे बी आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि जो मेरे कमेंट सेक्शन में भरा हुआ रहता है, इनफैक्ट मेरे नहीं बाकी अदर और भी चैनल्स हैं जिनके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन भरा हुआ रहता है, मतलब काफ़ी सारे लोग यही कमेंट करते हैं कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं और TDM में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो हम क्लासिक में यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, वो हम क्लासिक में यूज़ कैसे करें। तो मैं सबसे पहले उनका जवाब देने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करोगे ट्रेनिंग में जाकर, या फिर अपनी स्पीड या एक्यूरेसी बढ़ाओगे ट्रेनिंग में जाके, जब तक उसे आप क्लासिक में यूज़ नहीं कर पाओगे तो वो सब वेस्टेज है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना होता है। बेसिकली आप क्या करते हो, ट्रेनिंग करते हो और TDM खेलते हो, एरिना ट्रेनिंग, ठीक है। TDM में क्या होता है, TDM का चलो मैं बाद में बताता हूँ। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपके सामने कुछ टारगेट्स होते हैं जो लेफ्ट राइट रेगुलर बेसिस पे मूव करते रहते हैं और आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो। मतलब ट्रेनिंग रूम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ आप किस चीज़ की ट्रेनिंग कर सकते हो, आप रिकॉयल कंट्रोल की ट्रेनिंग कर सकते हो और आप हल्का फुल्का जिगल, मतलब अपना जो हिप फायर है उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा ट्रेनिंग रूम में आप शायद थोड़ी बहुत रिफ्लेक्सेस की भी ट्रेनिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि ये तीनों चीज़ें तो आ गई, मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों चीज़ें 100% लेवल पर नहीं होती है ट्रेनिंग रूम में। ये तीनों चीज़ें भी आप 20-30% मान लो, अगर आप रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कर रहे हो तो 20-30% आपके रिफ्लेक्स ट्रेनिंग रूम में बढ़ सकते हैं, बट क्लासिक में रिफ्लेक्स काम नहीं आएंगे। बिकॉज क्लासिक में जब आपको कोई बंदा पीछे से मारता है, जब आप घूमते हो ना, तो पता नहीं चल पाता है कि वो एक्चुअल में मार कहाँ से रहा है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग में जब आप किसी को सामने मार रहे हो किसी टारगेट पे, आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आपको पीछे घूम के किस टारगेट को मारना है, इसलिए आपको एक बार के लिए ऐसा लगता है कि आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ गए हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिक नहीं खेलोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आपका गेम सेंस इम्प्रूव नहीं होगा, इन शॉर्ट आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना चाहिए कि आप ट्रेनिंग और TDM की चीज़ें क्लासिक में लेके आ पाओ। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़, जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करने के बाद जो भी मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि मैं ऐसे ट्रेनिंग करता हूँ वैसे ट्रेनिंग करता हूँ, या फिर टॉप 5 ड्रिल्स या बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ, वही सारी चीज़ें आपने मेरे क्लासिक गेम प्ले में देखी होंगी, क्योंकि मैं हर क्लासिक गेम में कमेंट्री करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि देखो ये ट्रेनिंग कब काम आ रही है, कैसे काम आ रही है, या फिर एडवांस ड्रिल्स वगैरह, या फिर आप देखते होगे एडवांस नूब टू प्रो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें भी मैं काफ़ी सारी अपनी ड्रिल्स को यूज़ करता हूँ, तो वो सब कैसे हो जाता है। तो जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग में जो चीज़ की भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स हो गया, हिप फायर हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग की वीडियोज़ बना रखी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सब ट्रेनिंग करने के बाद अब वो सब क्या होता है, 20-30% लेवल पर होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 20-30% लेवल पर आप वो चीज़ अचीव कर लोगे, बट उसके बाद क्या, आपको तो भाई बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तभी आप क्लासिक में यूज़ कर पाओगे। तो मैं उसके लिए खेलता हूँ TDM। अब मैं हर बार यही बोलता हूँ कि TDM खेला करो, बट बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना भूल जाता हूँ कि TDM का मतलब सिर्फ एरिना ट्रेनिंग नहीं होता है। मैं यहाँ पे टाउन खेलता हूँ बहुत ज़्यादा, टाउन में इतने सारे बॉक्सेज, इतने सारे हाइट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यहाँ पे काफ़ी जगह पे आप जंप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, स्लाइड तो खैर आप करना ही मत, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि जब भी स्लाइड करोगे ना तो गेम प्ले खराब ही होगा और कुछ नहीं होगा, और काफी सारे बॉक्सेस कवर्स, और यहां पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और आपके रिफ्लेक्सेस भी यहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कहीं से मार रहे हो, बंदों की स्पॉन लोकेशन फिक्स नहीं होती यहाँ पे, अगर आप जहाँ पे बंदे स्पॉन हो रहे हैं वहाँ पे आप जाके खड़े हो जाओगे तो बंदा वहाँ पे स्पॉन नहीं होगा, वो दूसरी साइड कहीं पर जाके स्पॉन होगा, और मे भी चांसेस 80% है कि वो आपके पीछे से आ जाए आपको मारने के लिए, तो आपको एकदम से घूम के उसे मारना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ अभी प्रूव करके भी दिखाने वाला हूँ इन गेम प्लेज में, बट फिलहाल आप मेरी बात सुन लो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आपको टाउन खेलना है यार, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाउन खेलना है। टाउन खेलने के बाद अगर आप एक टाउन भी खेल लोगे ना अच्छे तरीके से तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपका एक टाउन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है लाइक 5-6 मिनट में, तो आप 2 टाउन खेल लो, 3 टाउन खेल लो, जब तक आपको लगता नहीं है कि हाँ आपके हाथ पेन नहीं होने लगे हैं, ठीक है। बेसिकली जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपके हाथ पेन होने लग जाते हैं क्योंकि आप रेगुलर इधर उधर फायर करते रहते हो, क्योंकि वैसे भी आजकल बुलेट्स तो अनलिमिटेड हो ही गई हैं उसमें, तो सेम चीज़ आपको इसमें करनी है, रेगुलर आपको लेफ्ट राइट देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, जितने भी एनिमीज हैं उनको सबको कवर करने की कोशिश करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा किल करने की कोशिश करनी है। अब आपको मैं एक किल का सिनेरियो बता देता हूँ, अगर आप 15-20 किल कर पाते हो टाउन में तो ठीक है, गुड है, अगर आप 15-20 किल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगेंस्ट TDM प्लेयर्स नहीं, अगेंस्ट नॉर्मल जो भी आप रैंडम्स के साथ खेल रहे हो वैसे बोल रहा हूँ, अगर आप 15-20 किल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 20 से
25 किल कर रहे हो तो भाई दिस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है 20 से 25 किल करना। और अगर आप 25 से 30 या फिर उससे ज्यादा कर रहे हो तो समझ लो आप खेलना सीख गए हो, आपके रिफ्लेक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। मैं आपको टाउन की बात कर रहा हूँ, टीडीएम में आप 20-25 किल कभी नहीं कर पाओगे, ऐसी बात नहीं कभी नहीं कर पाओगे, बाकी बहुत रेयर होता है यार, क्योंकि अगर चारों टीममेट भी 5-5, 6-6 बंदे भी मारते हैं तो भी आप लाइक 20 किल ही कर सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते उसमें। बट टाउन में क्या होता है, टाउन में आपको 3 चांसेस मिलते हैं, अगर एनिमी टीम जीत गई तो आपको जीतना पड़ता है, आप जीत गए तो फिर आपको एक चांस मिलता है एक टाइप को खत्म करने का, ठीक है, तो 3 चांसेस मिलते हैं बेसिकली, और इसमें टाइम भी काफी ज्यादा मिलता है, तो आप इजीली अपने रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज कर सकते हो, आपको जो आपकी जो एक्यूरेसी है और आपकी जो रिकॉइल कंट्रोल है वो आपको ट्रेनिंग में करके ही यहाँ पर आना है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि उठे और आपने टाउन चालू कर लिया। मैं हर बार बोलता हूँ कि यार जब भी कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ ना ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो ट्रेनिंग में 20-30 लेवल परसेंट आगे करने का, उसके बाद यहाँ पे आके आपको टाउन खेलने का है, ठीक है, टाउन खेलने के बाद ही आप क्लासिक में जाना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मुझे क्यों ऐसा पर्सनली टाउन का बहुत ही ज़्यादा टाउन से ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा गेम प्ले, उसके बाद आप खुद जज कर लेना कि जो नॉर्मल टीडीएम है और टाउन में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला मैच स्टार्ट किया और इस मैच में भाई काफी ठीक ठाक बंदे आए थे, बट स्टिल मैं मेरा गोल ये रहता है कि मुझे 25 से 30 किल करने हैं, और जो टाउन में जो बेस होता है ना वो मेरे टीममेट को संभालने दो या कोई भी संभालो, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है मुझे, ठीक है। अगर मैं बेस में हूं तो मैं बेस में बैठ जाता हूं, बट अगर बंदे आ रहे हो तभी मैं बेस में बैठता हूं, अगर बेस में बंदे ही नहीं आ रहे तो मुझे बंदे मारने जाना है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है यार, मैं यहाँ पे बेस होल्ड करने नहीं आया हूं। तो सेम चीज आप भी कर सकते हो और एग्जैक्टली सेम चीज आप पे अप्लाई भी होती है, ठीक है। उसके बाद अब जो नॉर्मल टीडीएम है और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे टाउन में यार कैंपिंग नहीं होती है, टाउन में ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक बेस होता है टाउन में ऊपर की साइड पे जो दोनों बेसेस के बीच में बेस होता है, वो कभी बेस बी बन जाता है कभी बेस सी बन जाता है, वहाँ पे कैंपिंग होती है क्योंकि लोग होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये जो बाकी के दो बड़े बड़े बेस हैं यहाँ पे होल्ड हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा एंगल है ना कि आप होल्ड कर ही नहीं सकते, आप ऊपर से भी कूद सकते हो नीचे से भी कूद सकते हो कहीं से भी आपको पड़ने के चांसेस रहते हैं, आपको अपना दिमाग बहुत फास्ट चलाना होता है। तो अब नॉर्मल टीडीएम में क्या होता है, एरिना ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एरिना ट्रेनिंग में भाई बहुत सारे कैंपर्स आते हैं, मतलब आपके बॉक्स के सामने छुप जाएंगे, बीच में से जाके M249 उठा लेंगे, या फिर बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो जाते हैं यार, मतलब आप वहाँ पे बहुत इरिटेट भी हो जाओगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी लोगों को M249 या फिर ग्रोजा मिलती है, बट ग्रोजा के अगेंस्ट अगर आप अपनी M4 चला रहे हो तो उससे बड़ा कंपटीशन कोई भी नहीं होता, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ग्रोजा वाले बंदों को मारने में। तो मैं फटाफट से क्विकली आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप एक बार ये गेम प्ले देख लो, उसके बाद मैं आपको नॉर्मल टीडीएम का गेम प्ले भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने टाउन खेला और कितने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होते हैं बेसिकली। तो मैं आपको एक चीज़ तो बता चुका हूँ कि किस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग रील्स को क्लासिक में यूज़ कर सकते हो टाउन खेल के, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाउन खेलते हो तो आप अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग की हुई वो जो क्लासिक में यूज़ कर पाओगे इजिली, बिकॉज क्लासिक एग्जैक्टली थोड़ा सा सेम होता है टाउन की तरह। अब आप बोलोगे यार टाउन कहाँ क्लासिक कहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या एग्जैक्टली मैं सेम चीज़ की बात कर रहा हूँ। टाउन में भी बहुत ज़्यादा मतलब रैम्प्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ स्टेयर्स वगैरह होती हैं ऊपर नीचे, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ आपको मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ, इसीलिए जितना ज़्यादा आप टाउन खेलोगे उतना ज़्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे क्लासिक में। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से टाउन में आपके रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होंगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने थंब का या फिर जायरो का यूज़ करना है तो सिर्फ टाउन में आपको जायरो का ही यूज़ करना है, जायरो का, ठीक है। अगर आप थंब प्लेयर हो, थंब प्लेयर इन द सेंस अगर आप ADS यूज़ करते हो या फिर जायरोस्कोप यूज़ नहीं करते हो तो आपको थंब का यूज़ लेना है ताकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट देख पाओ और वो चीज़ अपने आप वैसे भी हो ही जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे TDM का गेम प्ले दिखाता हूँ और आप देखना यहाँ पे कि किस तरह से इंप्रूवमेंट हुई है। Free for the blue team!
तो आपने देखा टाउन खेलने के बाद जब नॉर्मल टीडीएम खेला तो कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, कितना अच्छे रिफ्लेक्सेस दिख रहे हैं, कितनी अच्छी एक्यूरेसी दिख रही है, हेडशॉट्स पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, टीडीएम में जो चीज आप इंप्रूव करना चाहते हो, टीडीएम में नहीं ट्रेनिंग में जो चीज आप इंप्रूव करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिकॉइल इंप्रूव करना है, अगर आपको अपनी हिप फायर इंप्रूव करनी है तो अच्छे से ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर लो 10 से 15 मिनट। तो मैंने आपको बोला था वो 20 से 30% ही प्रैक्टिस हो पाती है वहाँ पे, और फिर आप टाउन खेलो, फिर देखो कि आपकी जो वो प्रैक्टिस की आपने 20 से 30% वो कैसे इंक्रीज होती है, कैसे अपने आप उसको आप 80 तक ले जा सकते हो, 80-100 भी ले जा सकते हो। आपकी इंप्रूवमेंट पर डिपेंड करता है, खेलने के तरीके पर डिपेंड करता है, किस तरह से आप अडेप्ट करते हो चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इनफैक्ट क्लासिक में भी। सो बिलीव मी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग आउट।